अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ टी टाइम केक की। जो बनाने के लिए टी टाइम केक को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है मैदा 1.5 कप, शुगर पाउडर शुगर चाहिए हमें 1 कप, दही चाहिए हमें 1/2 कप, कोको पाउडर चाहिए 1 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून, 1/2 कप कुकिंग ऑयल और 1/2 कप मिल्क। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो चलिए चलते हैं, हम केक का बैटर तैयार करते हैं। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक बीटर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हैंड बीटर से हो जाएगा, ये हाथों से ही हो जाएगा। सबसे पहले हमें दही को फेंटना है। दही फेंटने के बाद हमें इसमें ऐड कर देना है मिल्क। मिल्क को दही में मिक्स करना है। ये दही में ऐड कर दिया मिल्क को और इसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वन बाय वन इसमें चीज़ें ऐड करते रहेंगे। सबसे पहले लिक्विड इंग्रेडिएंट्स, तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। लिक्विड इंग्रेडिएंट्स सारे ऐड हो गए यहाँ पे। ऑयल को भी मिल्क में अच्छी तरह से डिसॉल्व हल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। देन हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर, क्योंकि शुगर भी है जो पानी छोड़ देता है, पता ही होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसको मैं कर दूंगी साइड में। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा। 1/2-1/2 करके ऐड करना है। पहले 1/2 मैदा मैं ऐड करूँगी, 1/2 को इसमें मिक्स करूँगी। अब दूसरी तरफ जो 1/2 है उसमें वो भी मैं ऐड कर दूँगी और उसके साथ ही मैं बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दूँगी इसमें, और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सारा मिक्स हो चुका है। 1/2 बैटर को मैं अलग कर दूँगी, 1/2-1/2 दोनों में कर लूँगी। और जो 1/2 है उसमें मैं ऐड कर दूँगी कोको पाउडर और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 1/2 में हमें कोको पाउडर ऐड करना है और 1/2 बिल्कुल हमारा वाइट रहेगा। अच्छा, ये एगलेस केक मैंने बनाया है, क्योंकि कुछ लोगों को एग पसंद नहीं होता तो वो इस तरह से मिल्क एंड दही से बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट सा बनता है ये केक। ये परेशान मत होइएगा, दही का कोई ऐसा टेस्ट नहीं आता, बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है इसमें। स्पंजी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट केक बनता है, स्पंजी सा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मार्बल स्टाइल केक बनाना चाह रही थी। टी टाइम केक है ये, तो लुक वाइज थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। बिल्कुल सिंपल हो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि इसमें कोई टॉपिंग वगैरह नहीं होगी। तो पहले मैंने 1/2-1/2 वनीला बैटर ऐड किया, देन 1/2 कोको पाउडर का बैटर ऐड किया, देन उसके ऊपर अगेन वनीला बैटर, बेकिंग पाउडर वाला जो सिंपल बैटर था वो, और अगेन कोको पाउडर वाला बैटर ऐड करूँगी मैं। मैं आप लोग को मार्बल केक भी बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये तो टी टाइम केक है, तो मैंने इसको ऐसे ही कर लिया था। और इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी कि थोड़ा सा अच्छा सा मार्बल टाइप इफ़ेक्ट आए। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। कुछ लोगों को अंडे पसंद नहीं होते तो बिना अंडों के इस तरह से स्पंजी केक बना सकते हैं टी टाइम के लिए, और ऐसे ही ऐसे भी आप खा सकते हैं जो चाय भी नहीं पीते हैं उनके लिए। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, कुछ अलग हट के भी ट्राई करना चाहिए ना। तो इस तरह से ट्राई करते रहें। इसको मैं बेक होने रख दूँगी ओवन में। बेक होने के बाद ये देखें आप लोग, बेक होने के बाद इसको अच्छी तरह ठंडा करें। मैंने 180 डिग्री पे इसको बेक किया था। चेक करते रहना है आप लोग को। वैसे तो 40 मिनट्स में हो जाता है बेक, मगर आप लोगों ने चेक करते रहना है उसके दरमियान में भी। और ये अच्छी तरह जब ठंडा हो जाए तब इसका बटर पेपर हटा लें आप लोग। मुझे तो सब्र नहीं हो रहा था, मेरा केक बहुत गर्म था यहाँ पे, बहुत गर्म था केक। गरम गरम नहीं निकालना, केक को अच्छी तरह ठंडा करना है, देन सब कुछ करना है आप लोगों ने। लेकिन मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, तो मैंने ठंडा ठंडा ही, ओ सॉरी, गरम गरम ही इसको सब कर दिया था, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने की बहुत जल्दी थी। ये देखें गरम था ये, इसलिए ये मैंने जब इसको साइड चेंज की तो ये निकल गया, गरम गरम था तभी।
आप लोग इसको अच्छी तरह ठंडा कीजिएगा, देन फिर इसका बटर पेपर हटाइएगा और कट कीजिएगा। देखिएगा कैसे धुआं निकलता है, क्योंकि ये बहुत गर्म था। तो अब मैं आप लोग को इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना गर्म है, ये कटिंग करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आप लोग तसल्ली से आराम से ठंडा कीजिएगा, फिर कीजिएगा सब कुछ। मुझे तो वीडियो के लिए जल्दी होती है, तो मैं कर देती हूँ कभी कभी। तो ये देखें, इस तरह से आप लोग ऐसे भी खा सकते हैं और चाय के साथ भी ले सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी ट्राई करने के बाद, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब मैं आप लोग को ज़रा एक पीस उठाकर इसकी सॉफ्टनेस चेक करवाती हूँ। देखें कितना सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट केक बनेगा ये, बहुत सॉफ्ट, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों ने इसमें एग रिमूव किया है। देखें कितना सॉफ्ट है ये, बहुत आसानी से टूट गया। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं खा कर दिखाती हूँ आप लोगों को, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट था, बहुत। आप लोग खुद भी ट्राई कर लीजिएगा, आप लोग को बिलीव नहीं है तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।